अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो 27 चैप्टर का टॉपिक है डाइजेशन। सबसे पहले तो हम डाइजेशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। आपकी बुक के चैप्टर के स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं वहाँ पर डाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है। डाइजेशन की डेफिनेशन है कि इट इज़ द केमिकल और मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फूड एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उसको तोड़ा जाता है, चाहे वो केमिकल्स यानी कि एंजाइम्स के ज़रिए से तोड़ा जाए या फिर मैकेनिकली इसको तोड़ा जाए, या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मूव करके मैकेनिकली जो है उसको तोड़े फूड पार्टिकल्स को। अब वो फूड पार्टिकल्स इतने छोटे होने चाहिए, इतने बारीक बारीक टूटने चाहिए कि वो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसको आसानी से अपने अंदर लेके जा सके अब्जॉर्प्शन के ज़रिए से। डाइजेशन की टाइप्स की बात करें तो डाइजेशन दो तरह की होती है, वो सेल के अंदर भी होती है और सेल से बाहर भी होती है। इसको डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे। जो सेल के अंदर होती है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और जो सेल से बाहर होती है उसे कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि जो हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन किस तरीके से होती है। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं ये वो होते हैं जो कि सिंगल सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। जैसे कि अमीबा, आप देख लें अमीबा के अंदर डाइजेशन क्या होती है, सिंपली एक फूड पार्टिकल है जो आसानी से इसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर जाके इसकी डाइजेशन हो जाएगी। अब जो फूड पार्टिकल्स के अंदर गया है इस केस में, तो जो आपको इमेज नज़र आ रही है इसमें एंडोसाइटोसिस के ज़रिए अंदर से जा रहा है फूड, लेकिन कुछ छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, जो इससे छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए से इसके अंदर चले जाते हैं। जब अंदर चले जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये एक लाइसोसोम इसका ऑर्गेनेल है, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और फिर वो एंजाइम्स क्या करेंगे उस फूड पार्टिकल की डाइजेशन कर देंगे और इस तरह इसके अंदर सिंपली डाइजेशन हो जाती है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, पैरामीशियम भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर भी देखें यहाँ पर फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं जो कि इसके ओरल ग्रूव के अंदर दाखिल हो रहे हैं और उसके बाद फिर वो इसके फूड वैक्यूल में चले गए हैं, देन ऑनवर्ड आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर फिर फूड की डाइजेशन हो रही है। तो ये भी सिंपली जो है आसानी से इस तरह ही एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से, या अगर स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूजन के ज़रिए से इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर डाइजेशन जब होती है तो ये बहुत सिंपल सी डाइजेशन है और इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि ये सेल, ये पूरी इनकी बॉडी एक सेल है ना, तो ये सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है, सो इट इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब आपकी बुक में इंट्रासेलुलर डाइजेशन की जो एग्जांपल दिया है वो फिगर नंबर 27.2 में दी हुई है, और इसका जो फिगर ए देखें आप तो इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है जो कि इसके सेल के अंदर जा रहा है और सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से ये फूड पार्टिकल इसके अंदर दाखिल हो गया, चला गया, यहाँ पर फूड वैक्यूल बन गया है। ये जो है ये वैक्यूल है जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है, देन इसकी डाइजेशन हो रही है और फिर डाइजेशन के बाद जो फूड में न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर चले गए हैं। ठीक है, और जो फूड की डाइजेशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, एंजाइम्स जो हैं जो इस फूड वैक्यूल में थे उन्होंने इस फूड पार्टिकल की डाइजेशन कराई है। अब हम बात करते हैं जो मल्टी सेलुलर लार्जर एनिमल्स हैं उनके अंदर फूड की डाइजेशन किस तरह होती है। उनके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है स्पेशली, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक कैविटी होती है, जैसे कि आपको ये कैविटी नज़र आ रही है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो स्टमक के अंदर भी कैविटी है, इसके अलावा हमारे इंटेस्टाइन्स में भी कैविटी है, तो फूड जो है वो इस कैविटी के अंदर जाता है और फिर फूड की डाइजेशन होती है। अगर हम इंसान के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को नाम दें तो हम इसको गट भी कहते हैं, तो इसका मतलब है कि बड़े एनिमल्स के अंदर गट होती है जिसके अंदर कैविटी होती है और उसके अंदर फूड की डाइजेशन होती है, लेकिन जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनको किसी भी कैविटी या गट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके अंदर बहुत ही सिंपल जो है फूड की डाइजेशन होती है और वो उनकी बॉडी के सेल के अंदर ही डाइजेशन हो जाती है। अब ये बुक में ये लाइन लिखी हुई है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन सर्कमवेंट्स, यानी कि इससे दूर हो जाती है ज़रूरत के एक गट की या बॉडी कैविटी की जो कि हर एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम है इंट्रासेलुलर डाइजेशन से, इंट्रासेलुलर डाइजेशन से ये होता है कि एनिमल का साइज़ जो होता है वो छोटा छोटा होना चाहिए, यानी कि छोटे साइज़ के एनिमल्स के अंदर ही इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है और उनके अंदर सिंपली फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके। इंट्रासेलुलर डाइजेशन किन एनिमल्स के अंदर होती है, प्रोटोजोआ में होती है, स्पॉन्जिस में, नाइडेरियंस, प्लैटिहेल में, रोटीफर्स, बाइवैल्व मोलस्क और पुराने कॉर्डेट्स के अंदर।
इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो लार्जर एनिमल्स हैं जैसे कि इंसान या दूसरे बड़े साइज़ के एनिमल्स, उन सब के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाई जाती है और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल से बाहर डाइजेशन होती है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि कोई डाइजेशन होगी जो कैविटी में आपने देखी थी, गट कैविटी के अंदर, गट की कैविटी जो है उधर कोई सेल नहीं है और उस कैविटी के अंदर ही डाइजेशन हो रही है, तो वो सेल से बाहर है ना क्योंकि वो कैविटी में हो रही है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से कहते हैं। और उस कैविटी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, और उनके अंदर एक ऑर्गन होता है या कैविटी होती है जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो फूड की डाइजेशन कहते हैं, जैसे कि स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं और उनके अंदर कैविटी होती है। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फिर बाद में जब उसकी डाइजेशन उस कैविटी में हो जाती है तो उसके बाद में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब चेंज हो जाएंगे कैविटी में, तो फिर वो जो स्टमक की वॉल है उसकी वॉल में जो सेल्स हैं, वो जो उसकी वॉल की लाइनिंग पे सेल्स हैं उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेट्स सी किस तरह होता है। अब देखिए ना, यहाँ पर ये कैविटी के अंदर फूड है, यहाँ पर इसकी डाइजेशन होगी क्योंकि ये सेल से बाहर हो रही है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और जब डाइजेशन हो जाएगी फूड पार्टिकल्स की, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे, तो फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स इस स्टमक की जो कि हमारा ऑर्गन है, इसकी लाइनिंग, इसकी जो लाइनिंग है, ये जो इसकी दीवार है वो किसकी बनी हुई है, सेल्स की, उन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे ताकि जो एनिमल है वो अपनी बायोसिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म जारी रख सके, उससे एनर्जी हासिल कर सके। Now this is a picture of extracellular digestion and this picture is from figure 27.2. Here आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो cells हैं, these cells are in the lining of the digestive system of dog. ठीक है, dog का जो digestive system है उसकी lining के ये cells हैं। अब ये जो cells हैं ये अपने अंदर से सबसे पहले enzymes release करेंगे बाहर, और वो enzymes food particles को break करेंगे। अब ये food particles जो हैं वो उसके digestive system की cavity में हैं, यानी कि यहाँ पर उसकी food की digestion हो जाएगी और वो छोटे छोटे nutrients में चेंज हो जाएंगे, nutrients होंगे फिर वो absorb हो जाएंगे cell के अंदर, और फिर बाद में जो है ये इनसे energy हासिल की जाएगी, ये metabolism होगा इनका। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। इसमें इन्होंने बताया है कि हमारे पास जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, वो तो सिंपली अपने एनवायरनमेंट से फूड को ले लेते थे और डाइजेस्ट कर लेते थे, लेकिन जो बड़े साइज़ के एनिमल्स हैं उनके अंदर फूड को हासिल करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं फूड को अटेन करने के लिए। जिस तरह कि अब एक शेर है, उसने फूड खाना है तो उसको फूड को हासिल करने के लिए पहले एक मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जिस तरह का वो फूड उसने खाया है उसके मुताबिक है, और वो फूड की जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन उसकी जो है स्टमक के अंदर होगी, और उसका स्टमक ख़ास तरह का होगा। हर एनिमल का स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम दूसरे एनिमल से मुख्तलिफ होता है, तो इसको हम देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले है हमारे पास कंटिन्यूस वर्सेज डिसकंटिन्यूस फीडर्स। स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के पेपर के हवाले से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फीडर्स। इनफैक्ट ये पूरा क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है स्ट्रैटेजीज वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कंटिन्यूस फीडर्स। कंटिन्यूस फीडर्स के नाम से लग रहा है कि ये ऐसा खाना खाने वाले लोग हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जो कि लगातार खाना खाते रहते हैं, हर वक्त खाना खाते रहते हैं, स्टॉप नहीं करते, पॉज नहीं करते। ठीक है, तो अब इसमें इन्होंने ये बताया है कि हमारे पास जो कंटिन्यूस फीडर्स होते हैं मोस्टली ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि स्लो होते हैं, स्लोली मूव करते हैं, या कम्प्लीटली मूव ही नहीं करते, बिल्कुल ससाइल होते हैं, एक जगह के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे किसकी एग्जाम्पल है सस्पेंशन फीडर्स। सस्पेंशन फीडर्स वो होते हैं जो कि समंदर के अंदर या पानी के अंदर पाए जाते हैं, और वो पानी के अंदर जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ट्यूब वर्म्स की और बारनेकल्स की, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, मूव नहीं करते, और लगातार पानी से जो है स्ट्रेन कर रहे होते हैं, पानी से पकड़ पकड़ के फूड पार्टिकल्स को अपने माउथ के अंदर लेके जा रहे होते हैं, और हर वक्त उनका ये काम चलता रहता है, इसलिए दे आर कंटिन्यूस फीडर्स। सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ट्यूब वॉर्म्स। ये ट्यूब वॉर्म्स समंदर के पानी से जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको कंटिन्यूसली खा रहे हैं, दे आर कंटिन्यूस फीडर्स। ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बर्नेकल्स। और ये बर्नेकल्स जो हैं ये अटैच्ड हैं, ससाइल हैं, और ये कंटिन्यूसली जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको समंदर से पकड़ रहे हैं और खाते रहते हैं।
नेक्स्ट इज़ डिसकंटीन्यूअस फीडर्स. अब डिसकंटीन्यूअस फीडर्स वो होते हैं जो कि बड़े एक्टिव होते हैं और बहुत ही तेज़ी से मूव कर सकते हैं. इसी एग्जांपल आपको लायन टाइगर्स वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि उनको हर वक्त अपना फूड नहीं मिलता, उनको अपने खुराक की तलाश के लिए निकलना पड़ता है और अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है, और फिर जब उन्हें अपना फूड मिल जाएगा तो वो फूड जो है वो उसी वक्त, अगर फर्ज करें कोई हिरन मिलता है तो वो लार्ज साइज़ का है और उसी वक्त उन्होंने सारा उसको खाना है, तो वो बहुत ज़्यादा खा लेंगे पूरा हिरन. और फिर अब उनकी बॉडी में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस बहुत सारे खाने को स्टोर कर लें या अपनी बॉडी के अंदर उसको वक्तन फवक्तन जो है उसको तोड़ते रहें. ठीक है, उनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए. इसलिए वो उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ज़्यादा मिकदार में फूड खा सकते हैं और वो उनको हर वक्त जो है खुराक की तलाश में नहीं, हर वक्त में नहीं वो खाना खाते रहते, जब उन्हें खाना मिलता है सिर्फ वो तभी खाते हैं, और इस तरह उनकी एनर्जी जो है वो बच जाती है कंटिन्यूस फीडर्स की निस्बत. ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फीडर्स का डिफरेंस आप लोग लिखें ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल भी, आप एग्जांपल भी हेडिंग डाले उसकी, कॉर्निवोर्स के अंदर बताया कि दे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्टोर कर सके अपने इनफ्रेक्वेंट मील को, क्योंकि उनको हर वक्त फ्रिक्वेंटली मील नहीं मिल रहा होता, कभी कभार मील मिल रहा होता है, तो उसको स्टोर कर सकें और फिर स्टोर करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस फूड की डाइजेशन वो कर सकें. स्टूडेंट्स, हमारे पास एक जो डिसकंटिन्यूस फीडर्स हैं उसकी एग्जाम्पल फर्स्ट है कॉर्निवोर्स और सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास हर्बीवोर्स. अब हर्बीवोर्स में कैटल्स आ जाते हैं, गाय आ जाते हैं, भेड़ें वगैरह आ जाती हैं, अब वो भी डिसकंटीन्यूअस फीडर्स हैं. क्यों डिसकंटीन्यूअस फीडर्स हैं? क्योंकि इनको हर वक्त अगर ये खाते रहेंगे, खुराक की तलाश करते रहेंगे, तो जो इनके प्रीडेटर्स हैं वो उन्हें पकड़ लेंगे, तो इन्हें अपने ग्रेजिंग टाइम को यानी कि खाने के टाइम को कम करना होगा. तो ये क्या करेंगे, एक्सेसिवली जब भी इनको फूड मिल जाएगा एक्सेसिवली फूड खा लेंगे, ज़्यादा सारा खा लेंगे, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फूड की डाइजेशन कर सकें. तो स्टूडेंट्स, डिसकंटीन्यूअस फीडर्स में दो एग्जांपल्स आती हैं, एक कार्निवोर्स की और दूसरी हर्बीवोर्स की. नेक्स्ट है सस्पेंशन फीडर्स. अब सस्पेंशन फीडर्स क्या होते हैं? जो कि सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, यानी कि मोस्टली एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये रहते हैं, और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो भी सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको ये ट्रैप करेंगे और उन्हें खाएंगे, उनको रिमूव करेंगे पानी से, उन्हें खाएंगे. ये एक तरह की फिल्ट्रेशन ही कर लेंगे उस फूड पार्टिकल्स की. तो इसमें क्या है कि जिस तरह आप देख लेंगे हमारे पास नाइडेरियंस, अगर आप देख लें जो है, या स्पॉन्जेस को जहन में, आप स्पॉन्जेस को चले आप जहन में रख लें, तो स्पॉन्जेस में आपने देखा था कि उनकी बॉडी में एक कैविटी थी और फूड पार्टिकल्स जब उसकी कैविटी के अंदर आते थे तो जो थे उसके बॉडी के सेल्स उसको खा लेते थे. ज़रा स्पॉन्जेस की हम डायग्राम देखते हैं, दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं उसे. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ स्पॉन्ज. अब आपने पढ़ा था कि इसके पास एक ही कैविटी थी, ये वाली, इसमें पानी इसके अंदर जाता था और यहाँ से ही वाटर जो है वो बाहर निकल जाता था. अब चूँकि ये एक सस्पेंशन फीडर है, तो इसके अंदर कोई ना कोई फूड में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को ट्रैप करने वाला स्ट्रक्चर मौजूद होगा. ठीक है, या फूड को ट्रैप करने वाला या फूड को फिल्टर करने वाला स्ट्रक्चर मौजूद होगा. ठीक है, अब इसके अंदर फीडिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो तीन स्टेप्स पे होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पास द फीडिंग स्ट्रक्चर. अब इसके अंदर फीडिंग स्ट्रक्चर ये हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स आर क्वेनोसाइट्स, यानी कि इसकी क्वेनोसाइट्स फीडिंग स्ट्रक्चर है. अब पानी को पहला स्टेप क्या है कि उस पानी को इन फीडिंग स्ट्रक्चर्स तक जाना होगा, पानी को फ्लो करके, यानी कि यहाँ से इन सुराखों से, यहाँ से इसके अंदर पानी आ रहा है और पानी जो है वो फ्लो करके इस फीडिंग स्ट्रक्चर के ऊपर से गुजर रहा है. ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप क्या है कि यही जो फीडिंग स्ट्रक्चर है ये रिमूव करेगा उस पानी के अंदर से फूड पार्टिकल्स को. उसके बाद जो फूड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाएंगे उन फूड पार्टिकल्स को थर्ड स्टेप में क्या होगा कि वो माउथ की तरफ या डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ फूड पार्टिकल्स को भेज दिया जाएगा. तो यहाँ पर फूड पार्टिकल्स को इसके अंदर माउथ तो नहीं है लेकिन इसकी बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा, सारे फूड पार्टिकल्स को यहाँ से वो चले जाएंगे. अब आप ज़रा क्वेनोसाइट्स को देखें तो यहाँ पर उसका आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ऐसा सेटअप था कि उस पर फूड पार्टिकल्स जो है वो ट्रैप हो जाया करते थे. तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास सस्पेंशन फीडर की. तो सस्पेंशन फीडर्स की एग्जांपल स्पॉन्जेस हमने देख ली, एसिडियंस, ब्रैंकियोपोड्स, एक्टोप्रोक्स, एंटोप्रोक्स, फोरोनीड्स, बहुत सारे बाईवैल्व्स, क्रस्टेशियंस, पॉलीकेट्स, गैस्ट्रोपोड्स और नॉन वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स जो हैं वो सारे सस्पेंशन फीडर्स हैं. नेक्स्ट हैं डिपॉजिट फीडर्स.
डिपॉजिट फीडर्स जो होते हैं ये मोस्टली ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं, यानी कि वो हर तरह का फूड खा सकते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं मड में, सैंड में या मिट्टी के ऊपर रहते हैं, और वहाँ पर जो भी सॉफ्ट मिट्टी सैंड होगी उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करेंगे। कैसे करेंगे कि उस मिट्टी को सैंड को ये खा लेंगे, स्वेलो कर लेंगे बहुत ज़्यादा मिकदार में, और उस मिट्टी को जो उसके डाइजेस्ट सिस्टम में चली जाएगी उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, और बाकी फिर जितनी भी फजूल मिट्टी होगी वो मड होगा उसको अपनी एनस से बाहर निकाल देंगे। इसकी एग्जाम्पल है पोलिकेट एनालिट्स, जिसमें अर्थवर्म्स आ जाते हैं। अर्थवर्म भी यही करता है कि वो मिट्टी को खाता है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो मिट्टी होगी उसको अपने एनस से बाहर निकाल देगा। स्नेल्स में भी होता है, सी अर्चिन्स में होता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी डिपॉजिट फीडर्स हैं जो कि टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर होता है। उस टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम होता है कि वो सेडिमेंट्स वो मिट्टी से या मड से जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी एग्जाम्पल है सी क्यूकम्बर, सेपनक्यूलेंस, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लैम्स के अंदर और कुछ पॉलीकेट्स के अंदर। सो हर्बीवोरी क्या होता है? इसमें लार्ज साइज़ के प्लांट्स को खाया जाता है जो कि विजिबली नज़र आते हैं हमें प्लांट्स, बड़े साइज़ के प्लांट्स को खाया जाता है। और ये फीडिंग स्ट्रेटजी, इस फीडिंग स्ट्रेटजी के अंदर उस प्लांट मटेरियल को चबाया जाता है, काटा जाता है, चबाया जाता है, और इसे कहते हैं मैक्रो हर्बीवोरी। अगर वो ज़्यादा बड़े बड़े पत्तों को खाएगा या प्लांट्स को खाएगा, जैसा कि ये बुल जो है ये ग्रास मटेरियल को चबा रहा है और उसको च्यू कर रहा है। अब इन्होंने एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू बताया है कि बाइटिंग और च्यूइंग जो है ये बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी मौजूद है, और वो भी हर्बीवोरी शो करते हैं। और लेकिन हर्बीवोरी के अंदर क्या होता है कि बाइट और च्यू करने के लिए उनके पास स्ट्रॉन्ग सरफेस होनी चाहिए, चबाने के लिए एक हार्ड सी सरफेस होनी चाहिए, जैसे कि टीथ लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। और आपको पता है कि हमारे पास भी टीथ हैं और हमारे मसल्स जो हैं वो टीथ के साथ जुड़े हुए हैं, और वो मसल्स जो हैं वो टीथ को मैनिपुलेट करते हैं ताकि टीथ जो है वो मूव करें और फूड को चबाएं। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मैक्रो हर्बीवोरी है उनमें भी पाई जाती है, जिसके अंदर मलस्क हैं, पोलिकेट वर्म्स, आर्थ्रोपोड्स, यर्चिन। अब मलस्क के अंदर हम जरा मैक्रो हर्बीवोरी को देखें तो वो जो है उनमें रेड्यूला होता है, जैसे कि स्नेल आपने देखा था उनके पास एक रेड्यूला होता था जो कि प्लांट मटीरियल को खुरच सकता था, रेस्प कर सकता था। लेट सी इट अगेन। सो इस पिक्चर के अंदर स्नेल जो कि एक मलस्क है उसके अंदर रेड्यूला शो हो रहा है, और यहाँ पर ये रेड्यूला इसका नज़र आ रहा है। ये जो रेड्यूला होता है ना, इट इज़ अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर ये काइटनस टीथ होते हैं, और ये काइटनस टीथ एक बेल्ट के ऊपर मूव करते हैं, बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, और मसल्स भी इसके साथ अटैच होते हैं जो कि इस काइटनस टीथ के बेल्ट को मूव कराते हैं ताकि ये रेस्प कर सके, यानी कि ये उखेड़ सके या स्क्रैच कर सके। रेस्प का मतलब होता है स्क्रैच करना, ये स्क्रैच कर सके एलजी को या लीव्स या प्लांट्स को स्क्रैच कर सके और खा सके। अब यहाँ पर पोलिकेट वॉर्म के अंदर दिखाया है, उसका माउथ पार्ट दिखाया है यहाँ पर। अब इसके माउथ पार्ट के अंदर क्या होता है कि इनके पास एक इवर्टेड फेरिंग्स है, यानी कि इसके पास एक फेरिंग्स होती है जो कि बाहर भी निकाली जा सकती है, अंदर भी निकाली जा सकती है, और इसकी फेरिंग्स के ऊपर यहाँ पर आपको ये देखेंगे टीथ लाइक स्ट्रक्चर, इसको जॉ लिखा हुआ है, अब मौजूद है। इनके पास टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनकी फेरिंग्स के ऊपर होते हैं, और इनका क्या फ़ायदा होता है कि इससे ये चबा सकते हैं प्लांट मटीरियल को। इसका ये भी फ़ायदा है कि समटाइम्स जब प्लांट मटीरियल अवेलेबल नहीं होगा तो उस टाइम पर ये कार्निवोरी भी इन जॉस के जरिए से कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, और जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, मोस्टली उनके पास मैंडिबल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको इसके ये बाइटिंग माउथ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, मैंडिबल्स नज़र आ रहे हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाइट प्लांट मटीरियल, एंड दे आर एबल टू ग्राइंड एंड च्यू द प्लांट मटीरियल बिफोर पासिंग इट टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं, और ग्राइंड करने के बाद छोटे पार्टिकल्स को नेक्स्ट फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भेजेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।